बाबा योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय मतगणना कार्मिकों की ट्रेनिंग शुक्रवार को संपन्न हो गया। शुक्रवार को चीफ ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मतगणना कार्मिकों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान मतगणना कार्मिकों को बताया गया कि मतपत्रों को कैसे काउंट करना है और क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चीफ ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता ने बताया। के पीछे एक मोहर मारते हैं जिनमें 8 पॉइंट दर्शाए गए हैं, उन्हीं 8 कारण हैं वो मतपत्र अवैध करने हैं। तो 8 में से जो इम्प्लीमेंट हो रहा होगा उस मतपत्र के लिए उचित कारण, उस पर वो टिक करेंगे और नीचे साइन कर देंगे, तो उस दशा में वो अवैध हो गया। इसी तरह से प्रधान वाले सुपरवाइजर साहब अपना जितना अवैध वाला छांटे हैं वो लेकर के फिर जाएंगे उनके पास और उनको कहेंगे सर इसका डिसाइड करिए क्या है, फिर वो जिन जिन के पीछे मुहर लगा कर टिक करके साइन कर देंगे वो अवैध हो गए। अगर उन्होंने कहा कि ये अवैध है और ये जो एक है या दो है ये वैध वाले श्रेणी में है और वही बताएंगे कि किस प्रत्याशी के पक्ष में अब वैध है, तो उसके वो पीछे न मुहर लगाना है न कारण बताना है, दस्तखत करेंगे वो आपको फिर ले आना है और संबंधित प्रत्याशी के गड्ढी में उसमें जो सार्टिंग किए हैं उसमें वैध रूप में रख लीजिए और जितना पर मुहर लगा लगा दे दिए वो उस वार्ड से संबंधित या उस पद से संबंधित अब अवैध घोषित हो चुके हैं, मतलब तो उनको अलग रख लीजिए। एक ही बूथ पर उठ करे किए होंगे बट कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि अतरौलिया ग्राम सभा का जो वार्ड नंबर 6 था, वार्ड नंबर 6 में भी चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, तो उसके कुछ मतदाता वार्ड नंबर 1 पर बूथ नंबर 1 पर अलॉटेड थे तो वहां भी मतदान हुआ और उसके शेष मतदाता इस बूथ नंबर 2 पर भी वोट दिए। और आपको हमने बताया कि पूरे ग्राम पंचायत के जितने बूथ हैं सबकी बारी बारी मतपेटी आप ही टेबल बनानी है, तो मान लीजिए पहले आपने बूथ नंबर 1 का गणना किया और आपको पहले से पता रहेगा कि उस बूथ पर वार्ड नंबर 6 का सारे वोट पड़ गए हैं कि कुछ वोट है और वार्ड नंबर 2 पर बाकी वोट पड़े हैं, ये अगर सूचना है पहले से आपके पास वो यारों साहब बताएंगे, तो ऐसे में बूथ नंबर 1 पर कितना निकला प्रत्याशी वालों को देना है और फिर जब बूथ नंबर 2 का मतपेटी खोलेंगे और उसके वार्ड नंबर 6 की गणना करेंगे तब उसमें लिखना है कॉलम नंबर 5 में कर लेंगे और आपको 2 मई की मतगणना के लिए फिर सारी शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल स्वस्थ जा रहे हैं और वहां से स्वस्थ ही अपने घर जाएं। मैं मनोज कुमार गुप्ता सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग से यहां पूरे जितना भी निर्वाचन प्रक्रिया था चाहे नामांकन का हो या मतदान का हो या मतगणना का हो पूरे के लिए पूरी तरह से समग्र रूप से मैंने प्रशिक्षण हर स्टेज पर कराया है। मतगणना जो 2 मई 2021 को संपन्न कराई जानी है उसकी मतगणना में जो कार्मिक लगाए गए हैं उनकी ट्रेनिंग यहां पर दिनांक 28, 29, 30 में पूरी कर दी गई है और इसके बाद इनको इतना सक्षम बना दिया गया है कि वहां जा कर के मतगणना बिल्कुल बाधा रहित तरीके से और सुस्पष्ट रूप से कर पाएंगे। यहां पर प्रतिदिन ट्रेनिंग जो है 3 शिफ्टों में चलाई गई है, 9 बजे से 11 बजे तक, फिर 12 बजे से 2 बजे तक और फिर अंतिम शिफ्ट 3 बजे से 5, और हर शिफ्ट में यहां पर कुल 250 मतगणना पार्टी, एक मतगणना पार्टी में 4 लोग होते हैं, इस प्रकार हजार हजार लोगों का प्रशिक्षण यहां पर प्रतिदिन कराया गया है, प्रति शिफ्ट कराया गया है, अर्थात एक दिन में लगभग 3000 कार्मिकों का प्रशिक्षण तय किया गया है, वो संपन्न करा दिया गया है और मतगणना 2 मई को शुरू होगी, वहां जाके मतगणना ये लोग करेंगे जी।